हेलो एवरीवन, आज हम बीओडी एंड सीओडी में डिफरेंस की बात करेंगे कि हमारा बीओडी एंड सीओडी में क्या डिफरेंस होता है। तो बीओडी एंड सीओडी क्या कहलाता है, इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, अब हमें इनमें डिफरेंस बताना है। तो बीओडी होता है जो हमारे वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं, उन वाटर पॉल्यूटेंट को जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑक्सीडाइज करते हैं तो उस ऑक्सीडेशन में जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं, या आप इसको बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोल सकते हो। और सीओडी का मतलब होता है कि जो हमारे वाटर पॉल्यूटेंट होते हैं उनको ऑक्सीडाइज करने के लिए जो हम केमिकल यूज करते हैं, जनरली हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज करते हैं, तो जितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उस ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को हम केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोलते हैं। तो बीओडी का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड सीओडी का मतलब होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये हमारा पहला डिफरेंस हो गया। सेकंड डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेंट जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेंट जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं थ्रू एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। एक केमिकल के थ्रू यहाँ पे वाटर पॉल्यूटेंट का ब्रेक डाउन होता है, जबकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया के थ्रू पॉल्यूटेंट का ब्रेक डाउन होता है। बीओडी हमारी स्लो मेथड है और सीओडी हमारी फास्ट मेथड है। बीओडी वैल्यू जो है वो हमेशा लोअर होती है सीओडी वैल्यू से, और सीओडी वैल्यू जो है वो हमेशा हायर होती है बीओडी वैल्यू से। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे प्रोसेस फास्ट होती है तो यहाँ पे ऑक्सीजन ज्यादा कंज्यूम होती है, ये प्रोसेस स्लो होती है तो ऑक्सीजन कम कंज्यूम होती है, इसलिए बीओडी की वैल्यू हमेशा सीओडी की वैल्यू से लोअर होती है। फिर हमारा फिफ्थ डिफरेंस है, बीओडी इज मेजर्ड बाय कीपिंग अ सील्ड वाटर सैंपल फॉर इनक्यूबेशन फॉर अ पीरियड ऑफ 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। द रिडक्शन इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन गिव द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड बाय द एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं वाटर में उनको डिकम्पोज करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जितनी ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं उसी को तो हम बीओडी बोलते हैं। जबकि सीओडी हमारे कैसे मेजर की जाती है, इन सीओडी टेस्ट द वाटर सैंपल इज इनक्यूबेटेड विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 जनरली हम देते हैं इन कॉम्बिनेशन विद बॉइलिंग सल्फ्यूरिक एसिड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम एंड टेम्परेचर। तो जो हमारे वाटर वेस्ट होते हैं उनको डिकम्पोज करने में जितनी ऑक्सीजन जो है वो यूज की जाती है, और ये ऑक्सीजन कौन देता है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ऑक्सीजन देता है। तो जितनी ऑक्सीजन यूज की जाती है उसी को तो हम बोलते हैं सीओडी, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर हमारा सिक्स पॉइंट है, बीओडी में ओनली ऑर्गेनिक वाटर बेस्ड ही एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू डिकम्पोज होते हैं, जबकि सीओडी में ऑर्गेनिक एज वेल एज इनऑर्गेनिक वाटर बेस्ड जो है वो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट के थ्रू डिकम्पोज होते हैं एक्सेप्ट एसिटेट। बीओडी जो है वो परफॉर्म की जाती है लो टेम्परेचर पे 20 डिग्री सेल्सियस पे परफॉर्म की जाती है, जबकि जो हमारी सीओडी है वो परफॉर्म की जाती है हाई टेम्परेचर पे अप्रॉक्स 150 डिग्री सेल्सियस पे। तो ये हमारे बीओडी एंड सीओडी में डिफरेंस होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।